पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली सुखी उम्मीद जाग पई हो सुखी उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली सुती उम्मीद जाग पई हो सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली सारे मैं हाथ उठा के दर्दी नल दर्द बंडाउण वाला केड़ा सी दर्दी नल दर्द बंडाउण वाला केड़ा सी कैदी सागुना चो छुडाउण वाला केड़ा सी कैदी सागुना चो छुडाउण वाला केड़ा सी किसे ने ना बात मेरी लई हो किसे ने ना बात मेरी लई यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली हाथों को लहराते हुए सारे अपने हाथ उठाए और प्रभु दे ले उनकी खुशी से आशीष से भरा इस समय प्रभु तनु दिता है प्रभु जी महिमा करे आराधना करे सारे मिलकर दुखी बेसहारिया नु सीने नाल लाके 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 यीशु वांगू कोई भी ना रखे गल 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 लाके आए सन जागी उत्ते कई हो आए सन जागे उत्ते कई यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली 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 सारे बोले बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली हालेलुया उम्मीद के साथ बोलना है यीशु ने मेरा बाह पढ़ ली इतने लोगों का यकीन है आज यीशु ने मेरा हाथ थाम लिया है पढ़ लिया है हालेलुया कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया एक बार पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया वो बचाने वाला है बोले आमीन बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह पढ़ ली 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 हुण ते मैं शाद हाँ ते सदा खुश रहांगा हुण
हूं ते मैं शाद हां ते सदा खुश रहांगा हूं ते मैं शाद हां ते सदा खुश रहांगा हर वेले यसू यसू जपदा मैं 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 रहांगा दोज़ कांदी अग मुक गई हो यीशु ने मेरी बा पढ़ ली बा पढ़ ली पढ़ ली यीशु ने मेरी बा पढ़ ली बा पढ़ ली पढ़ ली यीशु ने मेरी बा पढ़ ली सुती उम्मीद जाग पई हो सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बा पढ़ ली पढ़ ली यीशु ने मेरी बा पढ़ ली बा पढ़ ली यीशु ने मेरी बा पढ़ ली तेरी महिमा छा जाए तेरे अधिकार के अधीन में आ जाए जो कहेगा वही होगा आमीन बटाला संत फ्रांसिस चर्च अपना त्योहार मना रहा है संत फ्रांसिस दा उस अवसर दे विच ये कन्वेंशन दा आयोजन इथे कीता जा रहा है और तुसी सारे आए हो प्रार्थना भवन टीवी जो हमारे पंजाब दे विच और पूरी दुनिया विच प्रभु दा वचन दे राही प्रभु दी महिमा करदा है तो मैं फादर मार्टिन सादिक और उन्हां दे सारे टीम आए हुए सारे प्रवान दे लई प्रभु दा धन्यवाद करदे हां एक बार इन प्रवान दे लई भी असी ताली बजाएंगे और प्रभु दा धन्यवाद करांगे बोले आमीन हालेलुया हालेलुया ए लगातार कल प्रार्थना भवन दे विच प्रोग्राम सी लगातार प्रोग्राम दे विच जा रहा ए शायद अपना आराम भी नहीं करता है टाइम पर भोजन नहीं मिलता है कई प्रकार के तकलीफ है लेकिन अपना कमिटमेंट में वो पीछे नहीं हटता है बोले आमीन हालेलुया और थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगेगा हालेलुया हालेलुया दोनों हाथ उठाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा हाथों को थोड़ा हिला के दिखाएंगे तो वाह हालेलुया 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 ये दिल को छू लिया इस गाना बा पढ़ लई यीशु ने मेरी बा पढ़ ली अच्छा लगा मजा आ गया किसने बा पढ़ लिया यीशु ने अरे क्या बात है हालेलुया हालेलुया किसने थाम लिया यार अब मेरा चिंता नहीं है बोलिए आमीन आमीन कोई दुख नहीं है कोई परेशानी नहीं मुझे पता है वो एक बार थाम लिया फड़ लई फिर कभी नहीं छड़ेगा बोलिए आमीन आमीन कितने लोग विश्वास करता है कि प्रभु एक बार फड़ लई तो फिर कभी नहीं छड़ेगा बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 तुसी देखिया होवेगा एक तस्वीर जिदे विच संत फ्रांसिस नू सलीब तो अपना हाथ बथा के
एक खत निकाल के इस तरह फड़ते हुए हालेलुया हालेलुया। तो वो फड़ने वाला है, छड़ने वाला नहीं है। बोलिए आमीन। यीशु बचाने वाला है। बोलिए आमीन। जो सड़ा जो मिनिस्ट्री प्रभु ने दिता है उस मिनिस्ट्री का नाम है यीशु बचाउंदा है। क्या है जी? थोड़ा जोर से बोलो, यीशु बचाउंदा है। यीशु बचाउंदा है। यीशु ने मेनू बचाया। एक दूसरे को बोलो, यीशु ने मेनू बचाया। कितने लोगों को यकीन है यीशु ने मेनू बचाया है? हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे बाइबल दे विच जीसस का मैनिफेस्टो है। जैसे चोन दा समा राजनीति दे लोग अपने मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, बताते हुए ये बोलते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे बोलता है कि ये सड़ा गवर्नमेंट अधिकार दे विच आओगे तां असी तुहाडे लिए ये सब करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। तुसी सुनिया होवेगा है ना, थोड़ा ये माफ करेगा, ये बिजली मुफ्त हो जाएंगे और इस तरह होएगा, इस तरह होएगा। कहते ही नहीं कहते? अरे दसो, कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की कहता है जी, वो कहता है, सिर्फ कहता नहीं बल्कि करता है। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। लूका दी अंजील ओदा 19 बाब दा 10वां आयत। लूका दी अंजील ओदा 19 बाब ओदा 10वां आयत विच असी पढ़दे हां, जकई दे घर विच जाकर उनां दे जिंदगी विच इन्ना वड्डा काम करने बाद प्रभु यीशु कहंदा है, मनुख दा पुत्र गवाचियां होयां नूं लप्पण अते उनां नूं बचाउण आया है। हालेलुया हालेलुया। हथ खड़ाओ, सज्जे हथ उपर करो। मनुख दा पुत्र गवाचिया होयां नूं लभण अते उनां नूं बचाउण आया है। हालेलुया हालेलुया। ये यीशु दा मैनिफेस्टो है। प्रभु यीशु कहंदा है, संसार विच आकर प्रभु कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उससे खोजने और बचाने आया है। बोलिए आमीन आमीन। Son of man has come to seek out the lost. Hallelujah. Hallelujah. Save the lost. Hallelujah. Hallelujah. जो खो गया, जो गवाचिया गया, उसको बचाउन दे ले मसीहा बनकर संसार देते आया है। बोलिए आमीन आमीन। Hallelujah. Hallelujah. कितने खो गया होगा पापां दे विच। इस मनुख जाति तुसी और मैं असी किथे खो जांदे? असी पापां दे विच खो जांदे। हालेलुया हालेलुया। ध्यान नाल सुना जी, परमेश्वर नु कुछ भी खर्चा हुआ नहीं इस संसार बनाउन दे लई। इस संसार दी रचना करन वास्ते परमेश्वर दा कोई भी खर्चा हुआ नहीं। पर तुहानू और मैनू इस संसार नु बचाउन दे लई उसको सब कुछ खर्च करना पड़ा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अपना खून पसीने विच बदलना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। एक एक को बचाउन दे लई, एक एक को बचाउन दे लई उसने अपने आप को देना पड़ा, अपने पुत्र को देना पड़ा। रोमियां दा पत्र ओदा 5 बाब ओदा 8वां आयत विच असी पढ़दे हां, पर परमेश्वर ने सज्जे हाथ उपर अपने पवित्र प्यार दा, अपने पवित्र प्यार दा जो साडे नाल रखदा है, जो साडे नाल रखदा है, ये सबूत दिता कि जदों अजे असी पापी ही सां, ता मसीह साडे लई मोए। हालेलुया हालेलुया। व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स क्राइस्ट फॉर डाइड फॉर अस। एक बात मैं आपको साफ करना चाहंदे हां, ध्यान नाल सुनो। यीशु मसीह किसके लिए मरा? बोलिए पापियों के लिए मरा। बोलिए आमीन आमीन। जदों असी अजे पापी ही सां, वचन दे विच लिखिया, ये सविशेषता है जी, खासियत है। यीशु मसीह दा प्यार, बाइबल दा प्यार बाकी सब तो वखरा क्यों है? क्योंकि बाकी सारे लेकी लोकां दे लई काम करदा है। चक्कर तुसी चंगे हो, अच्छे हो, नेकी हो, तोड़ी मुक्ति संभव है। लेकिन यीशु मसीह कहंदा है, तू पापी है तो मैं तेनु बचाउन दे ले आया हां। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।
ये सुसमाचार का ये एबीसी है। एबीसी का मतलब है जी उड़ा एड़ा, सब समझ गया ना, उड़ा एड़ा इडी। हा हा, मैंने भी सीखा जी, हालेलुया। ये सुसमाचार का एबीसी है। एबीसी मतलब क्या है? शुरुआत। ये शुरुआत है सुसमाचार दा, सुसमाचार की है। शुभ संदेश क्या है? बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान नाल सुनो जी, क्योंकि हर वक्त ये तो बच्चे बच्चे जानता है, लेकिन साफ साफ समझना भी जरूरी है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज गॉस्पल? सुसमाचार क्या है? वो ये है, चेदो हसी पापी ही सा मसीह साडे ले मोए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, एक वचन आगे पढ़ो। साडे विचों किसे एक नेक दे ले मरना कठिन है, हाँ यह हो सकता है कि कोई किसी भले आदमी दे लई मरण दा हिया करे। हालेलुया, हालेलुया। ये कठिन है कोई भले आदमी दे लई मरना, पर कोई कर सकता है, पॉसिबल है कि कोई अच्छे आदमी के लिए, धर्मी आदमी के लिए कोई मर जाए, जान दे। मगर जदो अच्छे असी पापी ही सा वाइल वी वर स्टिल सिनेस, पाप में रहते ही प्रभु ने बचा लिया। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? हर एक पापी नू आज भी उम्मीद बाकी है। क्या है? मेरा यीशु मेनू बचाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग सोचता है, कहता है, फादर जी मैं बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रह गया, मैं तो खत्म हो चुका हूं, मेरी जिंदगी में कोई आगे कोई फ्यूचर ही नहीं रह गया। कोई बच्चे आके, कोई परिवार आके कहता है, फादर जी मेरा परिवार टूट गया, पत्नी चला गया, पति चला गया, हुण ओ मेरा पता नहीं की हो जाएगा, मैं जीने से अच्छा मरना चाहता हूं। पर मैं की कहता हूं, प्रभु कहता है एक बार फिर यीशु मसीह को मौका दो। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तुसी एक बार फिर यीशु नु मौका देना चाहते हो? जिन्ने लोग चाहते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लुका दी अंजील उदा पंज बाब दे पहला आयत तो असी देखते हां, सिमोन पेत्रुस और इन्हां दे साथी मछली फड़न दे लई कोशिश किया, रात भर मेहनत किया, एक मछली भी हाथ नहीं आया। उस समय यीशु आए, ओ सिमाउन पत्रुस दा नाव दे विच बैठा, उपदेश दिता लोकां नू। उस ते बाद पैतरुस नू कहा, तुहाडे नाव गहरा पानी च ले जाओ और मछली फड़न दे लई सज्जे पासे जाल डालो। सिमाउन ने बोला, प्रभु जी रात भर असी मेहनत किता, सानू कुछ नहीं मिलिया। बोली आमीन, आमीन। पर जदा चक्कर तुसी कहोगे मैं जल डालांगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहना चाहते हाँ, तुसी अस्पताल जाके थक गया जी, डॉक्टर ने जवाब दिता, परिवार टूट गया, बच्चा नहीं होवेगा बोला, ऑपरेशन करने के लिए बोला, शादी नहीं होगा बोला, इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन दे विच होंगे, बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश किया, पैसा कद तक जमा किया, लेकिन वो फस गया, कुछ करना पता नहीं की करना, नशे शराब दे विच शरण ले लिया, पर कोई कुछ नहीं कर सकता, नशा भी नींद नहीं देता, फिर की करोगे? यीशु मसीह कहता है एक बार फिर मेरे कहने पर जाल डालो। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, यीशु आ जाता है। बोलिए आमीन, आमीन। आज भी मेरे पास एक परिवार आया, इतने रो रहे थे, पता नहीं इधर बैठे नहीं बैठे, मैंने उनको कहा था आ जाओ, मैं उनके आंसुओं को देखकर मुझे भी रोना है, बोले तो इसलिए आए क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था, अरे दुनिया में कितने लोग तकलीफ में हैं, और कुछ लोग, मैं 2 बजे मुश्किल से शांति भवन तो इधर आ गया जी, जबरदस्ती उठकर आना पड़ा,
क्योंकि लोग अपने अपने कुछ कुछ तकलीफ बोलना चाहता है, उनको लगता है फादर थॉमस ने क्या है सुना ही नहीं साड़ी गल। अरे तो असी उम्मीद रखे आए जी फादर जी नूं मिलने वास्ते, फादर जी तो साड़े सुना भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं सुना, उठ कर चले गए, हुण की करना। ओए हालेलुया हालेलुया। मैं कहंदा मैं किसी नूं आज बोल के आया, चाह पावे में एक गंडा सुनू, दो गंडे सुनू, एक पल भी सुनू, दवाई तो एक ही मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या है जी दवाई? वचन मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। तुसी सारे अपनी सारियां गल्लां मैनूं दसो, आखरी विच की दवाई मिलेगा? अरे बोलो वचन मिलेगा। ता फिर क्यों बोल बोल के थक रहे हो? एक ही भी बार बोलना वचन लेकर जाओ, हो गया बल्ले बल्ले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी महिमा होवे, यीशु दी महिमा होवे। यीशु दे जब कहना मानोगे वहां पर आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मैं की कहना चाहते हाँ, जदों तुसी सोचते हो सब कुछ खत्म हो गया, आगे कोई रास्ता ही नहीं, सिमोन पत्रस ने कभी भी ये नहीं बोला, हे यीशु तू बड़ाई का बेटा है, तरकान का बेटा है, नाव बनाना ता है, मछली फड़ना की जानते हो? कि तुसी मछली फड़ना जानते हो? असी तो बचपन तो मछुआरा है, सानों सिखाना नहीं, रात को मछली फड़ता है, दिन में कितने मछली मिलेगा? पूछा है क्या समाओ ने? पूछा? कभी नहीं पूछा। बोलिए आमीन आमीन। उसने बोला जेकर तुसी कहोगे, इफ यू से सो, अगर आप कहें तो, यीशु कहेगा जहां मछली नहीं वहां मछलियां पैदा हो जाएगा। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु कहेगा वो 25 किलोमीटर लंबाई 12 किलोमीटर चौड़ा गलीलिया जुइल जो है उस जगह पर, बहुत बड़ा सागर है जी, बहुत बड़ा सागर है, मैं इनके चारों तरफ जा चुका हूं, इसलिए मैं इसका लंबाई चौड़ाई कहता हूं, इतने बड़े सागर दे विच किसी कोने विच भी एक मछली हो, वो मछली इस जाल विच आ जाएगा। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कि तुसी विश्वास कर दे हो? कि तुसी विश्वास कर दे हो? हालेलुया हालेलुया। तो उम्मीद खत्म नहीं हुआ जी, यीशु मसीह दा खासियत यही है, आज भी उम्मीद खत्म नहीं हुआ। सुती उम्मीद जाग पई, हो सुती उम्मीद। हाँ इसलिए मेरे को अच्छा लगा गाना, जो सो गया था उम्मीद खत्म हो गया, पर यीशु ने क्या कर दी जी? बा फड़ लिया, फड़ ली, बा फड़ ली। हालेलुया हालेलुया। पर जाग गया सुती उम्मीद। हालेलुया हालेलुया। ध्यान नाल सुनो, मेरे पिछले दिन मैं कभी वचन पढ़ रहा था, वचन सुन रहा था, एक चीज मेरे को बहुत चंगा लगा। पूछो की गल है? अरे पूछो थोड़ा प्यार से, थोड़ा जोर से, की गल? हालेलुया हालेलुया। बोले आमीन आमीन। यीशु मसीह बड़ा मेहनती है, यीशु बड़ा मेहनती है। क्यों? एक पापी को बचाने के लिए, एक जक्कयू के बारे ऐसी पढ़ते हैं, वो क्या है, गोलर दे जो पेड़ है वो रुक ते चढ़ गया, पत्ते है ना, जिन्ने भी पत्ते हैं उन्होंने विचकार अपने आप को छुपा लिया। हालेलुया हालेलुया। वो बंदर वांग बैठा है, वो किसी नु वेख्या नहीं, वो सोचा कि मैनू भी कोई नहीं वेखेगा। वो यीशु नु मिलने वास्ते उस रास्ते उत्ते दौड़ा, आखिरी विच उस रुक ते चढ़ के उत्थे बैठ गया, पर यीशु ने उसको लभ लिया नहीं लभ लिया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुसी कित्थे भी जाके छुप जाओगे, यीशु तुहानु लब लोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए गुवाचिया होया नु लपण वास्ते आया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मजा आंदा जी उस यीशु दे ते विश्वास करना, मेनू चंगा लगता है, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। ए गुडविल तो गाना गाते है क्या, छोड़ेगा ना कभी नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमेन आमेन। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। मरकुस दी अंजील ओदा पंज बाब दे विच पहला आयत तों लेके असीं पढ़दे हां, यीशु
समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच गया, उत्थे अशुद्ध आत्मा दे नाल चमड़िया होया एक आदमी सी, जिन्हां दे अंदर घट्टो घट्ट 2000 अशुद्ध आत्माएं झगड़ा हुआ थी। हालेलुया हालेलुया। वो इतना उग्र सी, उस इलाके तो कोई नंग नहीं सकदा सी, कपड़ा भी निकाल देता सी और पत्थर दो नाल वो अपने आप को चोट पहुंचाया करता सी। ये इतना उग्र वाला बंदा जो संगला तो भी उन्होंने बनिया नहीं जा सकता सी। इस तरह का एक आदमी यीशु नु देख के दौड़ के आंदा है और कहता है कि यीशु तुसी इत्थे क्यों आए, समय तो पहले सानू परेशान करने वास्ते, क्योंकि यीशु कह रहा सी इस आदमी विचों निकल। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन दे विच लिखिया, ये ध्यान नाल सुनो, समुद्र विचों जदो नाव ते सवार कर रहा सी एक तूफान उठिया। बोले हालेलुया हालेलुया। क्योंकि शैतान अशुद्ध आत्मा ये नहीं चाहता सी कि इस आदमी बच जाए। हालेलुया हालेलुया। थोड़े ध्यान में लेना चाहते हो, सारे हाथ उड़ाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। ध्यान नाल सुनो जी, जो भी आज इस वचन सुनेगा उन्होंने जिंदगी विच प्रभु कम करेगा। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो सोचता है मेरा कोई नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा हाँ यीशु है। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये जो आदमी जिन्होंने कोई नहीं जाना चाहता सी, सारे डरते सी, मगर यीशु इस आदमी नु बचाने के लिए कितना ज्यादा कष्ट उठाउंदा। देखो जी, जो उस आदमी नु बचाने के लिए यीशु जा रहा सन, उस सवेले समुद्र दे विच इन्ने वड्डा तूफान उठिया, यीशु को क्या है उस वायु को डांटना पड़ा। बोलिए आमीन। यीशु ने वायु नु भी डांट लिया। हालेलुया हालेलुया। समुद्र को भी डांटा। हालेलुया हालेलुया। समुद्र शांत हो गया। हालेलुया हालेलुया। वायु थम गया। हालेलुया हालेलुया। फिर नाव किनारे पहुंचे। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और पता है उस बाइबल विच लिखिया जी, मार्कुस दे अध्याय 5 में लिखा है, क्या लिखा है, इस आदमी तो प्रभु ने अशुद्ध आत्माओं नु सुवरां दे विच कट दिता। हालेलुया 2000 सुवरां उस सागर दे विच डूब के खत्म हो गए। बोली आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो आदमी बिल्कुल चंगा किया गया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। उस इलाके दे लोगों ने आके यीशु ने कहा इत्थे नहीं रहना, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। उन्होंने समझ नहीं आया, सुवरां दे खो जाने तो वो लोग दंग खा गया, लेकिन एक आदमी एक बेटा परमेश्वर का एक बेटा बच गया, कोई उसको बचाना नहीं चाहता सी, उन्होंने लिए कोई नहीं सी संसार दे विच। वो ऐसे सुनसान जगह विच रहिंदा सी, उदा कोई ख्याल रखने वाला कोई नहीं सी, लेकिन उन्होंने ख्याल ईश्वर यानी यीशु रखता है। बोली आमीन आमीन। जदों तुहाडा भी कोई नहीं, तुहाडा भी सोचने वाला कोई नहीं, कदी कदी है ना, ये जो नौजवान बैठे हैं ये भी सोच बैठता है कि जी साडा कोई नहीं, फादर जी पापा नहीं सुनता है, मम्मी नहीं सुनता है, भरा नहीं सुनता, भैन नहीं सुनता, टीचर नहीं सुनता, पुरोहित फादर लोग भी नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, मेरा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। कुछ नशे में चले जाते, कुछ मरने के लिए कोशिश करता है, आत्महत्या के लिए कोशिश करता है, कुछ लोग भाग जाने की कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है, सिर्फ नौजवान नहीं कोई भी कर सकता है। बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि ये सोच अंदर आ जाता है, एक डिप्रेशन आ जाता है कि मेरा कोई नहीं है। बोलिए आमीन आमीन। इस संसार दे विच मेरा कोई नहीं है, कि मैं सच कह रहा कि कदी कदी तुसी अकेले बैठ कर रोंदे है ना, नहीं रोंदा नहीं रोंदा ना, बड़े चंगे लोग बैठे हैं आए। हालेलुया, मेरे बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास है जी। हालेलुया, वो रुला हुंदा है रोंदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु दी वडियाई होवे। हालेलुया हालेलुया। पर मैं बहुत सारे लोगों नूं वेखदे हां जो रोंदा है, अकेला भी रोंदा है, उसनूं पता नहीं मैं की करां। बहुत सारे जी, बहुत सारे दुनिया में रोता है, अकेलापन महसूस करता है, सब कोई है लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। हाँ जी, चारों तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। इसी तरह हालात बन जाता हो जाता है। पर मैं आपको कहता हाँ,
यीशु है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब तक देर नहीं हुआ है। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु को मौका दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये वो यीशु उस आदमी ने ढूंढ कर गया उसको बचाने के लिए, तूफान को, आंधी को, समुद्र को शांत करके गया, दूसरे किनारे पर गया, अकेला उसी को ढूंढते हुए। मैं कहता हूं यही है मोहब्बत, यही है प्यार, यही है खुदा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कोई खुदा नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो एक पापी के लिए स्वर्ग छोड़ सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। एक पापी के लिए अपने जान दे सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। एक पापी के लिए सूली पर चढ़ सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले कहा ना, एक धर्मी के लिए मरने वाला भगत होगा, लेकिन पापी के लिए पापी बनकर आया। पाप के अलावा सब कुछ उसने झेला। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत रखता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मैं पिछले दिनों सोच कर रहा ना, बहुत रोना आया मेरे को, क्योंकि है ना, मेरा यीशु उसको ढूंढने वाला है जो अकेला पड़ गया। बोलिए आमीन। आमीन। चाहे वो पत्ते के बीच में छुपा हुआ हो, जंजीरों से बंधा हुआ सुनसान जगह में घूमता फिरता क्यों ना, हूं असि देखते हाँ उस समारी औरत के बारे। समारी औरत दोपहर का समा पानी लेने वास्ते कुएं विच जा रहा है, कुआ दे लगे उते कोई नहीं सी, लेकिन उते यीशु बैठा सी। हालेलुया। 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 कादे ले बैठा है? योहन्ना दी अंजील उसका चार बाप अदे विच असि पढ़ते हाँ उस समारी औरत के बारे। क्या कहानी है जी, क्या वचन है उस समारी औरत जिसका दूसरा नाम है संत फोर्टिनी। वो संत फोर्टिनी नामक मशहूर है। बोलिए आमीन। आमीन। वो दे कहानी सुसमाचार विचो खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। मैं वचन तुहाडे सामने रखने का मेरा एक मकसद है, चाहे वो जकेउस हो, चाहे वो अब्दूतग्रस्त बंदा क्यों ना हो, चाहे वो समारी औरत क्यों ना हो, जब यीशु ने उसको ढूंढ लिया, यीशु ने उसको पा लिया, यीशु ने उसको अपनाया, उस तो बाद वो व्यक्ति कभी पाप करने गए नहीं। हालेलुया। 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 अपना रास्ता बदल दिया जी, रास्ता बदल गया, उठना बैठना बदल गया, चलना फिरना बदल गया, सोचना बोलना बदल गया, खाना पीना बदल गया, सब कुछ बदल गया। बोलिए आमीन। आमीन। हालात ही बदलेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आज गाके हालेलुया। 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 दा तुहाडे लिए आज उद्धार का दिन है। बोलिए मेरा उद्धार का दिन है। मेरा उद्धार का दिन है। आज मेरा उद्धार का दिन है। आज मेरा उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक बच्चा मेरे पास आके बोला, फादर जी आज चॉकलेट डे है, आज फ्रेंडशिप डे है, आज वैलेंटाइंस डे है, आज प्रपोजल डे है। और मैं फंस गया, इतना सुन के ना थक गया भाई। मैंने इनको बोला आज सल्वेशन डे है। हालेलुया। हालेलुया। आज मुक्ति का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों प्रचार नहीं करता मुक्ति के बारे? क्योंकि महसूस नहीं करता है यीशु ने मैंने छुड़ाया बचाया। महसूस करना चाहिदा है, तब तुसी भी बोलोगे मैंने यीशु ने बचाया, तेरे को भी बचाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। उस समारी स्त्री ने जदों पहचान लिया मेरे सामने कौन है। हालेलुया। 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 उसने सोचा महोदय, उसने सोचा कोई नबी होगा। उसने फिर बोला कि आप याकूब से भी बड़ा हो, जिसने कुआ बनाया उससे भी बड़ा हो। ऐसे बोल बोल के असी पहुंचेगा जी संत योहन्ना दी अंजील चार बाब दे। परमेश्वर आत्मा है। हाँ। इसलिए यह जरूरी है। हाँ। कि उसके आराधक आत्मा ते सच्चाई नाल उसकी आराधना करन। हाँ, ये प्रभु यीशु ने कह दिया। आगे की कहना है 25वां वचन। औरत ने कहा मैं जानती हां कि मसीह अर्थात परमेश्वर का अभिषेक कीता होया आ रहा है। हाँ, जो अभिषेक कीता होया आ रहा है। जदों वो आएगा वो सानू सब कुछ
दसेगा। अरे बोलो सब कुछ दसेगा जब वो आएगा सानू सब कुछ दसेगा। हाँ फिर की होया जी यीशु ने कहा 26 दे विच लिखिया जी यीशु ने कहा मैं जो तेरे नाल गल्ला कर रहा हां मैं जो तेरे नाल गल्ला कर रहा हां ओही हां ओही हां हालेलुया हालेलुया कौन हां ओ मसीहा ओ परमेश्वर दा अभिषेक हां बोले हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग पूछता है कभी भी यीशु मसीह ने ये अपने आप नु खुदा है करके बोला? हां जी बोला है। प्रभु ने कहा मैं वही हाँ जो तुहाडे नाल गल्ला कर रहा है। बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे बोलो यीशु ने कहा मैं जो तेरे नाल गल्ला कर रहा हाँ वही हाँ हालेलुया हालेलुया। मतलब कौन है जी? मसीहा। कौन है? मसीहा। यीशु कौन है? मसीहा। परमेश्वर का अभिषेक यानी ईश्वर। बोलिए आमीन आमीन। यीशु मसीहा है, यीशु ईश्वर है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। इस औरत ने पहचान लिया। बोलिए आमीन आमीन। जब उसको पता चला मेरे सामने यीशु मसीहा अभिषिक्त मेरे सामने है, उसने अपना मटका उसने कड़ा वाई छोड़ा, शहर के तरफ भागी और सारे लोगों ने बोलने लग गया आकर देखो ये तो मसीहा तो नहीं, उसने मेरी जिंदगी दे सारी गल्लां नु दस दिता। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जिनको आंखों से हमने न देखा कभी आमीन आमीन, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हालेलुया हालेलुया। जिसने हमें आंखों से कभी देखा नहीं उसने हमारी जिंदगी को बदल दिया जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया हालेलुया। यू ही पलट दिया, यू ही पलट देगा। आज जिस तरह तुसी ये वचन सुनोगे तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। हालेलुया हालेलुया। कि तुसी तैयार हो अपनी जिंदगी यीशु नु देने तैयार हो तो जिंदगी भी बदलेगा। बोलिए आमीन आमीन। ये जो वर्शिप के लिए आया ये बच्चे पहले वांग नहीं रहेगा। बोलिए आमीन आमीन। हिस्ट्री प्रभु बदलेगा। हालेलुया हालेलुया। ये इतिहास बदल देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। हालेलुया ये वाकया है सामरी औरत का देखिए, ये वाकया है सामरी औरत का देखिए। ईसा से उसकी बात हुई कैसे देखिए, ईसा से उसकी बात हुई कैसे देखिए। ईसा चले यहूदा से जिस दम गलील को, चले यहूदा से जिस दम गलील को। पहुँचे वो जब एक सामरी सुखारी शहर को, पहुँचे वो जब एक सामरी सुखारी शहर को। उस शहर के करीब था याकूब का कुआं, उस शहर के करीब था याकूब का कुआं। थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ, थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ। औरत एकाई पानी जो भरने के वास्ते, औरत एकाई पानी जो भरने के वास्ते। फरमाया उससे पानी तू पिला दे आज मुझे, फरमाया उससे पानी तू पिला दे आज मुझे। औरत ये बोली तू है यहूदी मैं सामरी, ये बोली तू है यहूदी मैं सामरी। जब सामरी यहूदी में निस्बत नहीं कोई, सामरी यहूदी में निस्बत कोई नहीं। दोनों में कोई मेल नहीं जानता है तू, दोनों में कोई मेल नहीं जानता है तू। फिर पानी मुझसे पीने को क्यों मांगता है तू, फिर पानी मुझसे पीने को मांगता है तू। ईसा ये बोले तू मुझे पहचानती नहीं, ईसा ये बोले तू मुझे पहचानती नहीं, ईसा ये बोले तू मुझे पहचानती नहीं, ईसा ये बोले तू मुझे पहचानती नहीं। मांगा है किसने पानी तू ये जानती नहीं,
मांगा है किसने पानी ये तू जानती नहीं, मांगा है किसने पानी तू ये जानती नहीं। अभी तो बात चल रही जी प्रभु यीशु और सुमारी औरत के बीच में, प्रभु ने बोला तुझ पहचानती नहीं मैं कौन हा, तू जानती नहीं कौन तेरे तुम पानी मांग रहा है। बोले अमीन अमीन हालेलुया हालेलुया। आगे सुनो जी, औरत ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, औरत ये बोली वो मुझे पिला दे तू, ईसा ये बोले तू मुझे पहचानती नहीं, मांगा है किसने पानी तू ये जानती नहीं, पानी पिला के मुझको बुझा अपनी प्यास तू, पानी पिला के मुझको बुझा अपनी प्यास तू, सुन जिंदगी में अब न रहेगी उदास तू, सुन जिंदगी में अब न रहेगी उदास तू, वो जिंदगी का पानी पिलाऊंगा मैं तुझे, वो जिंदगी का पानी पिलाऊंगा मैं तुझे, बुझ जाए तेरी प्यास अब तक के वास्ते, बुझ जाएगी तेरी प्यास तक के वास्ते, बुझ जाए तेरी प्यास अब तक के वास्ते, बुझ जाए तेरी प्यास अब तक के वास्ते। औरत ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, औरत ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू। ईसा ने उसे जामे हकीकत पिला दिया, ईसा ने उसे जामे हकीकत पिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया, ईसा ने उसे जामे हकीकत पिला दिया, ईसा ने उसे जामे हकीकत पिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया। औरत ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू। सब तालियों के साथ मिलकर जामे हकीकत पिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया। ईसा ने क्या किया, अपना बना लिया और खुदा से मिला लिया। हालेलुया हालेलुया। वही करेगा तोड़े नाल भी, वो यीशु आपको खुदा से मिला लेगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। अपना बनाएगा, बोलिए हालेलुया हालेलुया। वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई, 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 और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, मैं न जाऊंगी मैं न जाऊंगी मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी 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 जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। आज का दिन सुहाना है मेरे लिए, आज का दिन सुहाना है मेरे लिए, एक नया अब जमाना है मेरे लिए,
उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे, उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे, उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे, उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे। जिंदगी भर का वो आसरा मिल गया, जिंदगी भर का वो आसरा मिल गया। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी मैं न जाऊं, तालियों के साथ, मैं न जाऊंगी 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 मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने मुझे अपनाया और खुदा से मिला लिया, बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, कुछ कुछ मैं गा नहीं पाता हूँ उनके साथ, पर मेरे को बहुत चंगा लगा। कैसे आपको लगा? समझ गया जी। समझ गया जी। उस औरत ने क्या बोली, आज नया जमाना हो गया मेरा, बोली आमीन। इस जमीन पे खुदा मिल गया, हालेलुया हालेलुया। ये जमीन में ये क्या है, स्वर्ग मिल गया, हालेलुया हालेलुया। यीशु मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, बोलिए आमीन। यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया। हां जी, मैं यही कह रहा था आपको, मुझको आज उद्धार का दिन है, मुक्ति का दिन है, आज आपके जीवन में यीशु काम करना चाहता है, बोलिए हालेलुया हालेलुया। आज अगर आप पाप में हो, आप निराशा में हो, आप दुख में हो, आप कर्ज में हो, आप इतने परेशानी में हो, आज यीशु आपके साथ काम करना चाहता है, बोलिए आमीन। क्या आप अपने आप को देना चाहते हो? सुना नहीं। हाँ जी। क्या आप अपने आप को यीशु को देना चाहते हो? हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। आवाज से बोलो हालेलुया हालेलुया। उस जाइरस की बेटी के बारे में बोलना चाहता हूं, जाइरस की बेटी, वो भी मिलेगा मार्कुस के पांचवा अध्याय में, बोले हालेलुया हालेलुया। 25 से लेकर हम पढ़ता है, 25 से लेकर ऐसी पढ़ता है कि वो समुद्र के उस किनारे पहुंच गया, उस अशुद्ध आत्माओं तो जकड़े इंसान नु चंगा करने तो बाद यीशु दूसरे पास पहुंच गया, तो बहुत बड़े भीड़ इकट्ठे हो गए। एक सिनगोग के अधिकारी आए, उसने बेनती की कि मेरी बेटी मरने मरने को है, तुसी आके उसने चंगा करो, बोलिए आमीन। यीशु उनांदे नाल तुर पया, अन्य सारे भीड़ उनांदे उते गिरे पड़दे सी, हालेलुया। इस विच एक औरत आई जो 12 वर्ष तो रक्तस्राव से पीड़ित सी, हालेलुया। उसने आके यीशु दे पल्ले नु छुया, मन ही मन कहा जेकर मैं उदे पल्ले नु भी छू पाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। वो चंगी होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? हालेलुया। उसका टच में इतने फंवर रहा कि वो जब टच किया यीशु दो तो यीशु वालो शक्ति निकल गई, हालेलुया। पावर केम आउट ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। क्या तुम्हारे टच में इतनी पावर है यीशु तो शक्ति निकलवा सकता है, हालेलुया हालेलुया। कैन योर टच ब्रिंग पावर आउट ऑफ जीसस? तो आपके टच में कुछ कमी है, लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे, किसी का कुछ भी नहीं हुआ, पर इस औरत ने आके यीशु के कपड़े के पल्ले ने छुआ, वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास, उसका विश्वास, किस तरह का विश्वास? उसने सोचा अभी डॉक्टर दे कोल जाने थे बाद मेरा बीमारी और बढ़ गई, सारे पैसा खत्म हो गया, कोई नहीं रह गया, संसार में कोई नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे उसने सुना। शी हेड अबाउट जीसस, यीशु के बारे सुना। क्या सुना? यीशु चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, घोड़ियों को साफ करता है, पापियों को बचाता है, बेसहारों का सहारा है,
सबका मसीहा है, वो यीशु के पास आए, भीड़ में आए। ऐसे बीमार वाले कभी संगत में कभी नहीं चल जा सकते, पर ये औरत चलकर आई, हिम्मत रखा, यीशु ने मिलने दे ली। और उस संगत में यीशु ने इतने करीब जाने का हिम्मत नहीं रखा, लेकिन somehow उसने मैनेज किया उसके कपड़े न छूने के लिए। क्या उम्मीद, क्या क्या उम्मीद उसके अंदर जाग पाई। हालेलुया, उनके सोए है वो उम्मीद जाग गई। हालेलुया, हालेलुया, ओ यीशु ने फड़ लई। हालेलुया, यीशु ने उदा बा फड़ लई। हालेलुया, हालेलुया, वो कभी बीमार नहीं रही उस तो बाद। बोलिए आमीन। आज तुसी भी नहीं रहोगे, जिस तरह तुसी वचन सुन रहे हो ना, यीशु तो आने चंगा कर रहा है, छू रहा है। सच्चे दिलों बोलो ना और हाथ बढ़ा के यीशु को छू लो, क्योंकि यीशु इस बाइबल में है, सब छू सकता है, क्योंकि प्रभु इस वचन दे विच जिंदा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस दी अंजील पांचवा बाब 35 वचन 35। यीशु एक कह ही रहे सन, हां यीशु के कह ही रहा सन कि लोकी जायरुस ते करो आए, लोकी जायरुस ते करो आए, अते उसनु दसिया, उसनु दसिया, तेरी ती मर गई है, तेरी ती मर गई है, तेरी ती मर गई है, मर गई, आपकी बेटी मर गई है। और फिर हुण गुरु जी नु ओथे जान दी खेचल ना दे। हालेलुया, हालेलुया, व्हाई टू ट्रबल द मास्टर, क्यों गुरुवर को कष्ट करे, गुरुवर को आपके घर तक अभी ले चलने की जरूरत ही क्या है। आपकी बेटी मर गई, आपकी थी मर गई, आगे की गंदाई। पर यीशु ने उन्हां दी गल वल ध्यान ना दिता। हां, पर यीशु ने, पर यीशु ने उन्हां दे गल वल ध्यान नहीं दिता, उन्हां दी गल वल ध्यान नहीं दिता। हालेलुया, हालेलुया, किन्हां दे गल वल ध्यान नहीं दिता, लोकां दे। लोग कहिंदा है तुसी खत्म हो गए हो, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गए हो, तू बेकार है, तू खराब है। किसी को बोलते, लड़की को बोलते तू बेकार है, लड़के को बोलते तू किसी काम का नहीं, की करता है, तुरदा फिरदा है। सुनकर तुसी परेशान होते हो, पर प्रभु का वचन लिखता है यीशु ने उन्हां दे गल वल ध्यान नहीं दिता। जो तुहानू दुखी करता है, तुहानू तोड़ देता है, तुहानू कांट देता है, तुहाडी जिंदगी को बर्बाद करने वाला, दुखी करने वाला, चोट पहुंचाने वाला वचनानू ध्यान नहीं देना चाहिदा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कि तुसी मेरे गल समझ रहे हो, जेकर समझा तो हाथ खड़ा करके दिखाओ। वेरी गुड, लोकां दे गल वल ध्यान दो। यीशु की कहंदा, आगे की कहंदा है वो, अते जैरुस नु कहा। हां, प्रभु ने उदान दे गल वल ध्यान नहीं दिता, पर जैरुस नु कहा, ना डर, ना डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, विश्वास रख। बोलो ना सारे हाथ उठा के बोलो, ना डर, ना डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। मार्कुस 5:36 उसमें लिखा है, फियर नॉट, जस्ट बिलीव। हालेलुया, हालेलुया, डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए। बोलिए जोर से, डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए। जब मैं इस चर्च में आया, सब तो पहले मैंने तुहानू ये वचन दिता सी, पता नहीं तुसी याद रखते हो नहीं रखते, मैंने यही कहा सी, पूरे 2-3 सप्ताह बोलता रहा, हालेलुया, 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 पूरा होगा, क्योंकि ये यीशु का वचन है। लोगों दे गल वल प्रभु ने ध्यान नहीं दिता, और यीशु ने कहा ना डर, केवल विश्वास रख। फिर की होया, यीशु गया उन्हां दे घर विच, बाकी सारे इस तरह बोलने वाला, आपकी बेटी मर गई, सबको बाहर कर दिया, सबको दूर कर दिया, केवल पेत्रुस को, यूहन्ना नु, अते याकूब नु कॉल ले लिया, उस कुड़ी दा मां बाप नु भी लिया, बस 5 लोगों नु लेकर उस कुड़ी दे घर गया। लोग हंस रहे रहे, क्योंकि यीशु ने बोला ये मर गई नहीं, ये सो रही है, लोग मजाक करने लगा, सबको प्रभु ने बाहर कट दिता। बोलिए आमीन, आमीन। यीशु गया, उस लड़की दे बाह फड़ लिया, हाँ, उस लड़की दा बाह फड़ लिया,
और उसको चुक लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बेटी मैं तुमसे कहता हूँ उठो, बोलिए आमीन। दलिता कुमी हालेलुया, उठ खड़ी होगी हालेलुया, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। हालेलुया, यीशु आपके हाथ बा फड़ना चाहते हैं, जिन्होंने यीशु वाल अपना हाथ बा देना चाहते हैं, वो उठो और हाथ बढ़ाओ, उठ के हाथ बढ़ाओ। दुनिया की करंदा है उदा फर्क नहीं जी, यीशु की करंदा है वो मायना रखता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर की करंदा है, डॉक्टर करंदा है तोड़े मुंडा जिएगा नहीं, डॉक्टर करंदा है ये दा जवाब हो गया, डॉक्टर दा जवाब हो गया, लेकिन यीशु दा जवाब हुआ नहीं। बोलिए हालेलुया, यीशु करंदा है ना डर, केवल विश्वास रख, विश्वास रख, जोर से बोलो ना, ना डर, ना डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी महिमा होवे, यीशु दी महिमा होवे। कि तुसी तैयार हो ता आज तुसी परमेश्वर दी महिमा वेखोगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज मुक्ति का दिन होवेगा। बोलिए आमीन, आमीन। सच्चे दिल से एक बार बोलो ना, बा पढ़ लई यीशु ने मेरी पढ़ ली, यीशु ने मेरी पढ़ ली, सुती उम्मीद जाग पई, हो सुती उम्मीद जाग पई, यीशु ने मेरी पढ़ ली, पढ़ ली यीशु ने मेरी पढ़ ली, पढ़ ली यीशु ने मेरी मां पढ़ ली। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि तुसी विश्वास रखते हो इस वचन ते, विश्वास रखते हो इस शब्द ते, विश्वास रखते हो। हां जी, आज मेरे यीशु ने मेरा बां फड़ ली। हालेलुया, हालेलुया। डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए, बोलिए डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं। तालियां, वन 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 वन, ऐसे ताली बजाओ। डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए, यीशु आएगा हाथ पकड़ कर तुमको बचाएगा, आज नया जीवन तुम्हें देगा। क्या होगा? यीशु आएगा हाथ पकड़ कर तुमको बचाएगा, आज नया जीवन तुम्हें देगा। अब तक देर नहीं हुआ, बोलो अब तक देर नहीं हुआ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, जीवन में उसको बुलाओ, जीवन में उसको बुलाओ। फिर क्या होगा? यीशु आएगा साथ पकड़ कर तुमको बचाएगा, आज नया जीवन तुम्हें देगा। यीशु क्या करेगा? यीशु आएगा हाथ पकड़ कर तुमको बचाएगा, आज नया जीवन तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया,